हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सबको थंबनेल देख के वीडियो के बारे में पता चल ही गया है। तो जो भी फनी वीडियोस रहते हैं उनमें से ये भी है, और मेरी सजेशन ये है कि आप ना ये वीडियो को फनी ही रखिए, पर्सनली प्लीज मत लीजिए। इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगल है, बाहर की कंट्रियों में ये लीगल है मगर इंडिया में तो इलीगल है। गर्ल है या बॉय है आपके अंदर ये सही से पता चलता है अल्ट्रासाउंड के बाद, तो सिम्टम्स के ऊपर आप लोग मत जाइए। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि मेरी जो सिम्टम्स है वो आपके साथ मिलता है या नहीं मिलता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करके आप लोग कोई भी कदम मत लीजिए। ये मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मुझे बहुत लोगों ने पूछा था आपके जो सिम्टम्स है उनके बारे में बताइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही थी। मैं हूँ दीपाली और चलिए आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी प्रेगनेंसी सिम्टम्स। जैसे कि आप सबको जानते हैं कि मेरी दो लड़का है, फर्स्ट लड़के के टाइम में मेरी जो सिम्टम्स आए थे पहले मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट जो मेरी सिम्टम्स थी उसमें से एक था कि मैं खुद एक माइग्रेन पेशेंट हूँ और मुझे वीकली 2 or 3 days मुझे माइग्रेन का पेन जो है वो आना चालू था। सेकेंड सिम्टम्स मेरी जो थी वो था कि मुझे जो राइस जब बॉयल होता है उसका जो स्मेल आता है वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। थर्ड जो मेरी सिम्टम्स थी वो था कि वॉमिटिंग, ऐसा नहीं कि वो मॉर्निंग सिकनेस, वो कभी भी मैं वॉमिट करती थी। फोर्थ सिम्टम्स में से एक था कि मैं खुद नॉन वेज खाती हूँ मगर मुझे उस टाइम नॉनवेज बिल्कुल ही पसंद नहीं था। मेरे सामने आके कोई अगर नॉनवेज के बारे में बोलता भी था तो फिर मैं उधर ही वॉमिट कर देती थी। फिफ्थ जो सिम्टम्स थी वो ये था कि मुझे सॉल्टी खाना बहुत पसंद था, लाइक फ्रेंच फ्राई, बर्गर, लाइक दैट। तो चलिए अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे क्या सिम्टम्स आया था। फर्स्ट जो सिम्टम्स थी उसमें से मुझे स्वीट खाना बहुत पसंद था, लाइक आइसक्रीम, स्वीट्स, चॉकलेट, ऐसे टाइप का। सेकेंड सिम्टम में से एक था कि मुझे गार्लिक का स्मेल बिल्कुल ही पसंद नहीं था, कोई अगर गार्लिक का कुछ बना रहे होते हैं तो फिर मैं घर में आके वॉमिट करना स्टार्ट कर देती थी। थर्ड जो सिम्टम्स मुझ में था वो था कि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ड्राउजी फील होता था मगर बाद में मीन सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में वो नॉर्मल हो गया था। फोर्थ जो सिम्टम्स थे उसमें मुझे ब्रिंजल खाना बहुत पसंद था मगर ये प्रेगनेंसी के टाइम में इतना अलाउ नहीं करते हैं डॉक्टर, मगर फिर भी मैं कोशिश करती थी कि मैं थोड़ा सा ब्रिंजल के कुछ खाऊँ या कुछ बनाऊँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो दो प्रेगनेंसी थी दोनों में ही मुझे बॉय हुआ था मगर फिर भी दोनों का सिम्टम्स पूरा अलग है, तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप लोग सिम्टम्स के ऊपर मत जाइए। हाँ, बहुत सारे लोग ना चाइनीज कैलेंडर को फॉलो करते हैं, मैं खुद भी करती थी, पता है फर्स्ट टाइम जो चाइनीज कैलेंडर था ना उसका प्रेडिक्शन सही हुआ था मगर सेकेंड टाइम मेरे लिए भी चाइनीज कैलेंडर का जो प्रेडिक्शन था वो सही नहीं था। तो फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। मगर दोनों प्रेगनेंसी में जो मेरे लिए कॉमन बात थी वो ये था कि मेरा जो टमी का साइज था वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था, और दोनों टाइम ही जो टमी के ऊपर प्रेगनेंसी के टाइम में एक लाइन आता है तो वो बिल्कुल ही स्ट्रेट था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियोस पसंद आए हैं। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में जाके मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का
लिंक भेज रही हूँ। और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों के क्वेश्चन मुझे डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उनकी आंसर देने की। तो तब तक के लिए मिलते हैं, चलिए